सो वेलकम भाई लोग। तो भाई लोग कैसे हो? फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, काफ़ी जो कि काफ़ी काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं और ये जो कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए काफ़ी भाई उन्होंने ये कमेंट्स किए कि हमें जो कि एक से डबल जो कि हाई प्लस कैसे हम ले लें और हमारे जो कि रैंक पोस्ट है वो एक से डबल जो कि डबल इंक्रीज हो जाए। तो मैं आपके लिए पूरा एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ जिससे आप हाई प्लस आराम से साथ ले सकते हो। तो 2.0 अपडेट के अंदर और C2S6, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि एक से डबल कैसे हाई प्लस ले सकते हो, चाहे आप कंकरर के लिए रैंक पुश कर रहे हो, चाहे एस डोमिनेटर या एस के लिए। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक लाजम रहे। और चैनल पर न्यू दोस्तों किस तरह का हेल्पफुल कंटेंट हर हमेशा में लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बता देना हूँ नॉर्मल तरीके से, क्योंकि मैंने सोचा शॉर्ट वीडियो बनाकर जो कि ताकि आगा करूँ। और चलते जो कि सबसे पहले आप, जैसे मैं कहता हूँ ना, जो कि मेरा जो KDA 3 से 4 के दरमियान रहते हैं और जो कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो 3 से 4 या 5 तक या 2 KD तक हर हमेशा रहते हैं। तो हम जैसे ही हम लैंड करते हैं किसी जगह पे तो एक बार सीधे लैंड करते हैं, लेकिन जो कि हमारे जो एनिमी है तो एक से डबल भाई हम किल तो नहीं कर सकते रैंक पुश के अंदर। देखिए रैंक पुश के अंदर जो कि हमें एक खौफ पैदा होता है जैसे ही मैच के अंदर आम खेलते हैं, लेकिन जैसे ही रैंक पुश करते हैं तो आपको इतना डर लगता है उस टाइम आप खेल भी नहीं सकते हो। तो आपने क्या करना है, ऐसे जो कि सेफ़ जगह पे उतरना है। और आपने क्या करना है, जो भी आपको गन मिलते हैं, चाहे जो भी चीज़ है ग्रे पे, जो भी आप उठाओ बाद में बेशक फेंकते रहो, लेकिन इनका जो कि एक एक दो दो प्लस हर हमेशा इसकी वजह से मिलते हैं। हम जैसे जो कि जिस जगह पे पहुंचते हैं जो हमारे काम का नहीं है, या शॉर्ट गन है या किसी कोई चीज़ है, तो इसको हम नहीं उठा लेते। क्यों भाई, इसका जो कि हम अगर उठा लेंगे तो हमें जो कि इनकी वजह से प्लस मिलते हैं। जो चीज़ आपको मिलते हैं उसको एक बार उठा लो और फेंक दो बेशक। तो दूसरी तरफ जो कि सर्वाइव करना तो हर किसी को पता है कि भाई एंड तक आखिर तक हम जो कि जो मतलब टॉप 10 जो एनिमी रहते हैं या 20, तो वहां तक हम पहुंचेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लस मिलते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे एक जून शुरू होता है उसके साथ साथ आपने जाना है और हेल्थ वगैरह ज़्यादा उठा लेना है गन से ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा जो कि जून से डैमेज भी लिया करो, ठीक है। जैसे जून से आप डैमेज लेते हो थोड़ा बहुत, फिर से हेल्थ लगाओ और इसी तरह आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हेल्थ लेना है या शॉप से लेना है तो भी ले लो बेशक ज़्यादा, क्योंकि आपने जून से डैमेज हर हमेशा लेते रहना है। वहाँ पे भी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लस मिलते हैं, जो कि आप जून से डैमेज लोगे ना तो इसमें भी प्लस मिलते हैं। उसके बाद आपने सेफ ऐसी जगह पर रहना है और अपने साथ एक गाड़ी हर हमेशा रखना है, ठीक है। और आप ट्रेवल करते हुए भी इसका भी जो कि प्लस जो कि मिलते हैं, ठीक है। और आप जो कि 5 मीटर या 10 मीटर जो कि आप जो कि ट्रेवल करोगे तो एक ही प्लस इसका भी बनते हैं, और ये भी आप याद रख लेना। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो कि जहाँ भी आप रुकते हो गाड़ी के साथ तो गाड़ी एक जगह पे खड़ा करना है, आपने थोड़ा सा उसकी जो गाड़ी से थोड़ा सा दूर आपने वेट करना है, क्योंकि रिंग पुश में सभी को पता होता है कि भाई ये गाड़ी के पास ही होगा, क्योंकि कोई बंदा अगर आपका कोशिश करेगा नज़दीक आने की तो आप थोड़ा सा गाड़ी से दूर होंगे तो आप उसे आराम से किल कर सकते हो। तो बस यही था आज के लिए, बाकी जो कि आप अपना हिसाब से खेल सकते हो। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।